मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन का नाम इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में जोरों शोरों से गूंज रहा है, क्योंकि दो अनाथ बेटियों रहने और अलीसा को गोद लेने के लिए जो सजा इन्हें मिली थी, 10 साल बाद वो ये केस पूरी तरह से जीत गई हैं। जी हाँ, दरअसल बेटियों को गोद लेने से पहले इन्हें कानूनन जंग लड़नी पड़ी थी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पहली बेटी गोद ले रखी थी, पर बाद जब दूसरी बेटी की आई तो कानून के नियम के तहत इन्हें बेटी नहीं बल्कि बेटा गोद लेने पर मजबूर किया गया था। लेकिन सुष्मिता नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और 10 साल इन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, तब जाकर इन्हें ये जीत हासिल हुई। ऐसे में फैन से लेकर बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स ने अपना अपना रिएक्शन देते हुए बहुत कुछ सुष्मिता को लेकर कहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन स्टार्स के रिएक्शन पर। नंबर 1, सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक्ट्रेस सुष्मिता की जीत पर अपना पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे आप पर भरोसा था कि आप ये केस जरूर जीतोगी, क्योंकि आप एक पावरफुल वुमन हैं जो अच्छाई के रास्ते पर चलती हुई बुराई का अंत करती हैं। मुझे आप पर गर्व है, डियर सुष्मिता। नंबर 2, अजय देवगन। वहीं सिंघम अजय देवगन ने कहा कि इन फालतू के चोचलों में ना पड़कर अपने घर गृहस्थी बसाने पर जोर देती तो अपनी जिंदगी में तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता। नंबर 3, काजोल। अजय के साथ साथ एक्ट्रेस काजोल ने सुष्मिता की जीत हासिल होने पर लख लख बधाइयां दी हैं और ढेर सारा प्यार इनकी दोनों बेटियों पर लुटाते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहो और सुष्मिता, मुझे आप पर गर्व है। नंबर 4, शाहरुख खान। वही किंग शाहरुख खान भी अपना रिएक्शन देने से पीछे नहीं हटे और सुष्मिता के खिलाफ सभी को भड़काते हुए कहा कि सुष्मिता को लड़कों से प्यार ही नहीं है, तभी तो इन्होंने दो बेटियां गोद ली हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नंबर 5, रानी मुखर्जी। इसी के साथ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आज सुष्मिता जी ने साबित कर दिखाई है। मैं तुम्हारी जीत से बहुत खुश हूं और तुम पर प्राउड फील भी करती हूं। तो दोस्तों, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन द्वारा 10 साल का केस जीतने पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।